आज का ये प्रेस ब्रीफिंग का उद्देश्य यह था, एक तो जो आयोग जो सुधार के जो कदम उठा रहे हैं उससे हम अपने कैंडिडेट्स को भी अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि ये उनके हित का ये बात है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि कैंडिडेट्स परीक्षा के बाद भागे नहीं, 15 मिनट रुक करके अपने समक्ष वो अपना कॉपीज को सील करवा लें। दूसरा ये भी था कि क्वेश्चन पेपर उनके समक्ष ही खुलना है, अनसील होना है। ये सब बातों की जानकारी अगर हम कैंडिडेट्स को नहीं देंगे तो एग्ज़ाम की प्योरिटी जो है, उसकी स्वच्छता, उसका फेयरनेस जो है, वो उतना नहीं हो पाए। इसलिए ये कैंडिडेट्स को उनके ही हित में जो हम जो परिवर्तन किए हैं उसकी जानकारी देना ही उस आज प्रेस की ब्रीफिंग का ये मेन उद्देश्य। 67 कब कैसे क्या हो रहा है? 67th जो एग्ज़ाम है पीटी, ये हमारा 20 और 22 सितंबर को दो शिफ्ट में, दो शिफ्ट के पीछे का कारण यही है कि बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, कैंडिडेट्स रहते हैं, और सेंटर अच्छे सेंटर्स की कठिनाई हो जाती है, उसका मॉनिटरिंग में कठिनाई हो जाती है, इसलिए हम लोग दो शिफ्ट में करेंगे इसको, और इसका हम लोग परसेंटाइल सिस्टम से हम इसको समेकित कंबाइंड कॉमन मेरिट लिस्ट बनाएंगे। इस पर क्या विशेषता रहेगी परीक्षा के दौरान, कैसे क्या? परीक्षा के दौरान हम लोग कई विशेषताओं को कर रहे हैं। एक तो कैंडिडेट्स को हम कहेंगे कि आप एक घंटा पहले अपने सीट्स आ जाएं। इस एक घंटा के पीरियड में आप उनका बायोमेट्रिक्स भी लिया जाएगा, उनकी फ्रिस्किंग भी होगी, सेंटर्स पर जामर लगा वैसे रहेगा, और उनको भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहता है, तो वो ऐसा ना समझें कि हमको तो सब मालूम है, इसलिए वो इंस्ट्रक्शंस भी बखूबी पढ़ें, अपना व्यवस्थित हो जाएं और हम भी व्यवस्थित हो जाएं। और क्वेश्चन पेपर उनके सामने जो होगा वो 5 मिनट पहले, परीक्षा प्रारंभ होने के 5 मिनट पहले वो आएगा, सील कंडीशन में आएगा, और उनके समक्ष उसको सील खोल करके क्वेश्चन पेपर का वितरण किया जाए। तो कैंडिडेट्स के लिए इतनी बातें हैं। इसके अलावा मैं सबके लिए एक बात बताना चाहूँगा कि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हर एक सेंटर के लिए एक अलग कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा, ताकि हम उसके क्वेश्चन पेपर की पहचान कर सकें, और ये सीक्रेट रहेगा, और ये एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मुलेशन भी हो सकता है। इस पर OMR शीट भी सभी को देंगे? OMR शीट सबको देंगे, ऑफकोर्स। वो कैसे स्कैन करके PT मेंस? OMR शीट का जो होगा, जो जैसे पहले भी दिया जाता है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, उसके इवैल्यूएशन में हम यहाँ पर उसका स्कैनिंग करेंगे, लेकिन जो सॉफ्टवेयर जो रन करेंगे, हम उस सॉफ्टवेयर को रन करने के पहले उसका मॉक रन करेंगे, मतलब हम टेस्ट करेंगे कि उसमें कोई बग तो नहीं है, और उसके बाद ही हम उसको एक्चुअल OMR शीट का रन कराएंगे। वेबसाइट पर छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा OMR? वेबसाइट पर हम प्रायः देखा जाता है कि छात्रों को हम लोग RTI के माध्यम से वो करते रहते हैं, वो भी परेशान होते हैं और हमारा भी काफ़ी समय लगता है, तो हम लोग इस बार सारे मतलब OMR शीट सबका वेबसाइट पर रहेगा, सबका मेंस का कॉपी सबका वेबसाइट पर रहेगा, विथ इवैल्यूएशन, आफ्टर इवैल्यूएशन दोनों, और अपने रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ वगैरह से अपना वो जैसे चेक करना चाहेंगे वो चेक कर सकते। लास्ट में छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? मैं लास्ट में छात्रों को यही कहना चाहूँगा कि अपनी ईमानदारी के साथ वो अपने परीक्षा को दें, और मेरा समझना है, मानना है कि अगर वो ईमानदारी से देते हैं परीक्षा में, हम लोग इस बार कोई कठिनाई नहीं होने देना चाहेंगे, कैंसिल नहीं करना चाहेंगे, और अगर शायद अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कहीं अगर पेपर लीक अगर होता भी है तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए मेरे विचार से कि पूरे परीक्षा को कैंसिल करें। मेरा एक ये जरूर कहना है कैंडिडेट्स के लिए कि हम रिजल्ट जो है जो निकालेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसके पहले हम सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का हम शुरू से लेकर के अंत तक उसके सारे दस्तावेज, जैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स, PT का अगर है तो OMR शीट, लिखित परीक्षा है तो उसका कॉपी, इंटरव्यू, सारे में हम देखेंगे कि वही कैंडिडेट सब में है कि नहीं, उसी की उसकी कॉपी में, उसकी OMR शीट में कहीं कोई मैनिपुलेशन, कोई गड़बड़ी, कोई त्रुटि तो नहीं है। इसको जब हम चेक करेंगे 100% जो भी सक्सेसफुल है उसका 100% अलग से एक नेक्स्ट लेवल ऑफ चेकिंग होगा,
इसलिए हमें लगता है कि अब कैंडिडेट्स भी बिना पढ़े एग्ज़ाम देने के सिवा मतलब अगर नहीं हो सकता, मतलब अगर बिना पढ़े देता है तो उसका कहीं ना कहीं वो किसी न किसी लेवल पर वो फंस जा सकता है। इसलिए मेरा उनसे यही परामर्श होगा, सुझाव होगा, अनुरोध होगा कि वो अपने मेहनत से अपना पढ़ें।